अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनम जावेद और एक दफ़ा का जिक्र है जब मैं गई थी कोरंगी। चार जगहें आपने देखी ना, ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थी, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। अब देखें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी ज़ू में और ये मोहम्मद साहब जो हैं इनको पहले आना था लेकिन ये लेट हो गए हैं, इनको सज़ा मिलेगी। अब ये मुझे पूरा ज़ू घुमाएं। चलो ताला, मुझे डर लग रहा है। टर्टल इज मूविंग। चेक करें, आप ही चेक करें। हमें ना बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो आइडिया नहीं था कि मैं अंदर भी आ सकती हूँ, तो उनसे आपकी मेहरबानी, उन्होंने मैं अंदर आने दिया। मगर बच सोचो, इस वाले में चलते हैं। नहीं यहाँ सोचो तो मैं अंदर फेंक देती हूँ। मैं तो बाहर रहूंगी, मुझे बिल्कुल कोई ऐसे ना एडवेंचर्स करने का शौक नहीं, तो मैं अंदर फेंक देती हूँ। फिर तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, गरीबों का पेट भर जाएगा और क्या। जाओ।
जा चलो पेट भरो। हैं और भी हैं। अच्छा डिफरेंट डिफरेंट किस्म के हैं वो, अंदर मटकों के अंदर बैठे हैं। रात हो गई। हेलो चलो चलो अब आगे बढ़ो। टाइम बाद ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। वैसे मुझे नहीं आइडिया था कि कोरंगी के ज़ू में इतनी सारी चीज़ें होंगी, मतलब फिश एक्वेरियम, पूमा, नट्स, मतलब और सफाई भी है ना, साफ सुथरा भी है। बाकी एक्सपेक्टेशन से बहुत, जब हम लोग सोच रहे थे यहाँ का, हमने बोला यार होंगी बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी, ज़्यादा जानवर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी, सफाई बहुत अच्छी सबसे ज़्यादा यहाँ पे, और जो थोड़े बहुत जानवर हैं थोड़े नहीं। अच्छा अच्छी बात यह है कि रश भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वो तो खैर वही वीक डे है ना आज, अगर मेरे ख्याल से ऑफ डेज में ज़्यादा रश होता होगा। और मैं जाहिद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें विज़िट कराया, हमें बाकायदा पिंजरे के अंदर जाने की इजाज़त दी, और बहुत मज़ा आया काफ़ी सालों बाद। ऐसा सोचा नहीं था कि कभी हमें अंदर जाने का भी मौका मिलेगा। अगर वो कुआं वाले पिंजरे में होता तो और मज़ा आया था। इसी को ही जाना था, मुझे कोई शौक नहीं था उससे मिलने का, मैं बाहर से बहुत खुश थी देख कर। बहुत मज़ा आया काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि हम बच्चे थे जब आए होंगे मेरे ख्याल से लास्ट टाइम। हसीन मौसम के साथ अब मैं सोच रही हूँ इसे ख़त्म करती हूँ, और ये मेरा कोरंगी का एक्सपीरियंस था। अब आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ मुझे विज़िट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगहें थी जो मैंने स्किप कर दी हैं, तो आपको क्या लगता है मुझे और मज़ीद कहाँ कहाँ जाना चाहिए, तो ये आप मुझे कॉमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा। अरे हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरा भी, इनका हाँ, तो करना ही है, मेरा भी करना है, इनका चैनल भी कर दीजिएगा। बिल्कुल मेरे चैनल से प्रमोशन हो रही है, याद रखना। बदला लूंगा मैं भी।